सर्विस के करेंट की तरफ से अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला, काउंटर बोछाने गए तरह से जबरदस्त, लेकिन रेफरी महोदय का इशारा, नेट चार्ज का इशारा के लिए तैयार। हल्का सा डाप, चतुराई भरा डाप दिया था, सर्विस चेंज। और यही नौजवान कल कहेंगे कि माँ बाप ने दिया जो निशानी चली गई, सपनों से मेरे रात की रानी चली गई, इतना पुकार खाया मैं बचपन में दोस्तों कि शादी से पहले मेरी जवानी चली गई, शादी से पहले मेरी जवानी चली गई। रेफरी महोदय की भी अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला भाई, काउंटर पर उछाली गई गई और इस तरह से कामयाबी हाथ लगी है, एक अंक और जुड़ता हुआ फैजाबाद के खाते में, 2-1 का स्कोर। एक बार फिर सर्विस के लिए तैयार, अच्छी सर्विस, हल्का सा ड्रॉप और कंट्रोल नहीं कर पाए इस गेंद को, इस तरह से एक पॉइंट मिला है, 3-1 का स्कोर है फैजाबाद का, बढ़ता हुआ स्कोर 3। मधुबन की प्रत्याशी हैं, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए आगे का आंखों देखा चुनाने के लिए हमारे साथी तमाम टेटर आमिर सुहेल साहब माइक्रोफोन पर, आगे की कहानी आमिर साहब की जुबानी। जी शुक्रिया मुजिबान साहब, आइए फिर लेके चलता हूँ 1-3 के निजी स्कोर पर, ककराता आजमगढ़ 1 हॉस्टल फैजाबाद 3, 1-3 एडवांटेज बतावे फैजाबाद। एक बार फिर और सुल्तानपुर 2-3 के निजी स्कोर पर, एक बेहतरीन परफॉर्म करती हुई दोनों टीमें। ओहो 3 नंबर खाली जगह को देखा और जहरीला ड्रॉ, जितनी भी दूरदराज से टीम दर्शक आई है मैं सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। एक बार फिर माइनस बाल का फायदा लेना चाहते थे लेकिन अभी भी बाल फिजा में, बाल को क्रॉस किया है, खेमे में आती थी फैजाबाद के। ओहो 18 नंबर जर्सी ने खाली जगह को पूरी तरह से भरपूर दरगाह के इस हरे भरे सुने स्टेडियम पर 200 दिन का ये बेहतरीन टूर्नामेंट चलता हुआ, अरे वाह, लेकिन उससे पहले बॉल इज राइट चेंज की शक्ल मिलती हुई इस शब्द का करैट आजमगढ़ को। मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर संजय वर्मा जी और उनके साथ में बैठी हुई है श्रीमती नीलम कुशवाहा जी, जो लगातार इस टूर्नामेंट से कह रही है कि काफी खचाखच दर्शक से भरा हुआ स्टेडियम। एक बार फिर बाल को आजमाया है 13 नंबर के लिए, लेकिन उससे पहले की अंपायर के आदेश की प्रतीक्षा, बॉल आउट और 4-4 बराबर भाई, जोरदार तालियां बजा दे, स्कोर लेवल 4-4 16-1 2021 17-1 2021 को यह मैच राजेंद्र नगर के हाई स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में होगा। स्कोर अभी भी रुका हुआ, टिका हुआ, डॉक्टर संजय वर्मा जी की नजरें भी रुकी हुई, टिकी हुई है इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। वाकई में बहुत ही शानदार टूर्नामेंट ये देखा जा रहा है, बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट देखा जा रहा है। अगर मैं ये कह दूं इस टूर्नामेंट में, और एक बार फिर बाल को उछाला है, खेलना चाहते थे लेकिन उससे पहले की बाल आउट का इशारा आता हुआ, एक साई हॉस्टल वाय बरेली NAR गोरखपुर TLW वाराणसी डोगरा बटालियन फैजाबाद स्पोर्ट एकेडमी लखनऊ, ये सारी की सारी टीमें आपको उस प्रतियोगिता में देखी जाएंगी। वाकई में इसी के साथ स्कोर 6-5, इस मैच के बाद जो मुकाबला खेला जाएगा रायबरेली वर्सेस सादपुर एंड ट्रेलर्स बैरीडी, तो मैं बता दूं इस मैच के बाद दिल की धड़कनों को रोक कर बैठे क्योंकि बहुत ही शानदार मुकाबला होगा रायबरेली। ओहो आप आपके चक्कर में बने घनचक्कर, और इसी के साथ एक और अंक दे दिया है चक्कर है टापू 6-6 बराबर भाई, जोरदार ताली, होश में कर बैठा जोश का सौदा, गरीबी में आटा गीला कर दिया है, इस गलती को सुधारना होगा 7 नंबर जर्सी। सर भाई जहां कहीं भी हो आप अरविंद भाई से मिले, कमेंटेटर बैग के पास अरविंद भाई आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें घर जाना है। किशन भाई आगे का कमेंट्री कर आमिर सुहेल। जी शुक्रिया, मैं बालन साहब इस टूर्नामेंट को 4-4 लगा रहे हैं, 6-8
एक बार फिर वाह ये है तेरे नंबर अब की बार आजमाया है मिस्टर मोहसिन ब्लैक को चीरती हुई बॉल सीधा पॉइंट का इशारा था और स्कोर 9-6 अगेन 9 पॉइंट्स एडवांटेज बटावे ककरेटा आजमगढ़ एक बार फिर और इसी के साथ एक बार फिर और स्कोर एक और अंक मिलता हुआ अब ऑर्गेनाइजर जिनके प्रोपराइटर्स डॉक्टर संजय वर्मा जी का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं इस टूर्नामेंट के लिए गुड सर्विस लवली सर्विस सादा नंबर जितनी तारीफ करो उतनी कम है बेचैनियां भरती हुई कौन बन कर निकलेगा राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता गरबा के 2020 की चैंपियन ट्रॉफी भाई वाह जोरदार ताली स्कोर बराबर और इस वक्त हम लोग अभी एक्सल पर आए गए इंटर एक्सल पर आए गए के मालिक अश्वनी कुमार जायसवाल अश्वनी जायसवाल जो इस वक्त हमारे इस ग्राउंड में सिंगज किए हुए हैं हमारे स्टेट के पास आ रहे हैं अश्वनी जायसवाल इनका बहुत लंबा सहयोग रहा पिछले साल भी इनका बहुत जबरदस्त सहयोग रहा डॉक्टर मुकेश एमडी जो कि आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं दरगाह कराने वाले इस वक्त हमारे बीच अश्वनी जायसवाल मैं कमेटी के जाने से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ जो इस वक्त शिरकत बनाए हुए हैं नौ दिन बनगढ़ा से ताल्लुक रखते हैं जो इस वक्त शिरकत बनाए हुए हैं मैं कमेटी के जाने से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ डॉक्टर नवजीवन संजय वर्मा डॉक्टर नवजीवन अस्पताल जो इस वक्त हमारे काफी समय से शिरकत बनाए हुए हैं और आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए यहाँ का समापन का आज ये प्रोग्राम होता है बहुत अच्छा मैच जो चल रहा है जो देख रहे हैं इस वक्त ककराटा और फैजाबाद के दरमियान मैच चला जा रहा है इस वक्त फैजाबाद 9 पॉइंट पे है ककराटा 10 पॉइंट फैजाबाद की तरफ से भी सर्विस हो रही है बराबरी के लिए पॉइंट की जरूरत है फैजाबाद के बल से बचा दिए हल्का सा दीजिए बहुत हल्का सा दबाव मारा ये बड़ी अच्छी कोशिश के बाद और इस तरह से एक पॉइंट मिला फैजाबाद को दोनों गेंदे बराबरी पे 10 बराबर इंटरनेशनल जो आज काकुर्ती स्टेडियम में मैच चल रहा है और इस तरह से नेट को छूती हुई सर्विस चेंज हुआ 10-10 बराबर ककराटा की तरफ से भी सर्विस होनी है आगे का हाल मैं चाहूंगा आमिर सुहेल साहब अपना कमेंट्री जारी रखें जी शुक्रिया तो एक बार फिर 10-10 पर फासला सिमटता हुआ एक बार फिर सर्विस को छलकाया है एक अंक और जोड़ता हुआ कोर्ट में आप लोग जोरदार तालियां बजा दें दो टीम आपस में टकराती भाई तालियां बजा दें तालियों में कोई कोताही ना करे क्योंकि किसी भी खेल के मैदान के लिए तालियां बहुत जरूरी है और एक बार फिर बाल टच की मांग की लेकिन आप लोग ऐसा बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में बैठे हुए लोग हैं अपने जिंदा दिली का सबूत है और एक बार फिर बाल को संभाला है मिस्टर मोहसिन के पास गई थी बाल लेकिन फिर बाल को उछाला है आजमा दिया है बाल अभी भी फिजा में तैरती हुई 7 नंबर और इसी के साथ कामयाबी इनके कदम को चूमते हुए एक और अंक जुड़ गया 11-11 बराबर भाई जोरदार तालियां बजा दे काफी समय से इस वक्त हमारे आलिया अस्पताल के डॉक्टर नासी उस्मानी जो शिरकत बनाए हुए हैं मनोहर भाई झारखंड से ताल्लुक रखते हैं जो इस मैच को देखने के लिए रुके हुए हैं और मैच का भरपूर आनंद ले रहे हैं यह मैच बड़ी खूबसूरती के साथ ये देखिए ककराटा की तरफ से बहुत जबरदस्त ये पारा आपको देखने को मिला है प्लेयर उनका इंतजार कर रहे हैं अजय यादव सुल्तानपुर की टीम से खेल रहे वो अपने गाड़ी के पास पहुंचे अजय यादव जहां कहीं भी हो अपने बोलेरो में जाकर बैठे वो गाड़ी घर जा रही है अजय यादव जहां कहीं भी हो अपने बोलेरो के पास पहुंचे अजय यादव अपने बोलेरो के पास पहुंचे हैं जहां कहीं भी हो यह मैच बड़ी खूबसूरती अंदाज में चलता हुआ ये देखिए बहुत जबरदस्त बहुत शानदार ये अच्छा था फूक किया ये मतलब फिर ककराटा की तरफ से अभी गए फैजाबाद की तरफ से ग्राउंड में बहुत हल्का था नेट भी ये देखिए और इस तरह से एक पॉइंट का इजाफा हुआ फैजाबाद को और आगे काल मजीबुर रहमान साहब भाई को प्रधान बनाया इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने के लिए आपने जो अपना बेशकीमती वक्त दिया है इसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए माननीय श्री संजय
वर्मा जी और हमारे बीच बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद जो कि मधुबन विधानसभा के प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के श्रीमती नीलम कुशवाहा जी, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एडवोकेट श्रीमती नीलम कुशवाहा जी जो कि मधुबन विधानसभा के प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, मैं इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए रहे सर्विस के लिए तैयार, सर्विस हो गई। फैजाबाद की तरफ से एक पॉइंट मिला है, 14-12 का स्कोर है, दो अंकों से लीड लेती हुई फैजाबाद। फील्ड परिवर्तन के बाद एक पॉइंट मिला है फैजाबाद को, 7 नंबर के खिलाड़ी सर्विस के लिए तैयार। सर्विस अच्छी, सर्विस को संभाला और सुंदर हिंड दिया है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। एक बार फिर मौका हो सकता है, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, डर है जिस बात की वो बात भी हो सकती है, कल के जैसे यहाँ हालात भी हो सकती है, देखने वाले पकौड़े और समोसे खा लो क्योंकि फाइनल मैच में बहुत रात भी हो सकती है। एक बार फिर सर्विस के लिए तैयार मिस्टर फाइन की सर्विस, सर्विस को संभाला, काउंटर पे उछाली गई गेंद, हल्का सा ड्रॉप, चक्राई भरा, बाप आदमी गाड़ी छूट गई, पहले आदमी गाड़ी छूटी और इस तरह से सर्विस का मौका मिला है। जब से दौर मोबाइल वाला आया है लैला मजनू ताल मार के बैठे हैं, निकले घर से कॉलेज गए नहीं, पुलिया पर मिसकाल मार के बैठे हैं और इस तरह से बाल आउट का इशारा, रेफरी महोदय का इशारा भी आना बाकी है। भाई काउंटर को छानी गई कि सुंदर हिंड दिया था, सर्विस चेंज कराने में कामयाब, 13-15 का स्कोर है। कि जुल्म से लड़ने का सामान बनाते रहना, क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाते रहना, दौर कोई हो भलाई का या बुराई का, टुनटुन राय को प्रधान बनाते रहना, टुनटुन राय को प्रधान बनाते रहना, क्यों अच्छी सर्विस। राजेंद्र नगर पहुंचा, अपनी कमेंट्री जारी रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना महबूब साहब। आइए एक बार फिर मैं लिए चलता हूँ खेल के मैदान में और इस तरह से इशारा रेफरी महोदय का भी आना बाकी है, रेफरी महोदय का इशारा, आगे का कमेंट्री काल मजबूर रहमान, शुक्रिया। मौका हो सकता है फैजाबाद के लिए हल्का सा खिलास, कराने के कोर्ट में कैसी गेंदबाज का इस्तेमाल किया है और किसी तरह से, लेकिन रेफरी महोदय का इशारा, बिसिल बजे, डबल, 14-16 का स्कोर है। झूठ का पोल बनाते हैं मोबाइल वाले, झूठ का पोल बनाते हैं मोबाइल वाले, फसाद को खुद ही बढ़ाते हैं मोबाइल वाले, किसी ने पूछ दिया आप कहाँ हो भैया तो घोसी को असना बताते हैं मोबाइल वाले, घोसी को असना बताते हैं मोबाइल वाले। और एक बार फिर एक पॉइंट मिला है ककराटा को, 15-16 का स्कोर है, मात्र एक अंक और पीछे, सर्विस के लिए तैयार। चार मैच और मैं स्वागत करता हूँ बम बम ब्रेक पकौड़ा, बम बम ब्रेक पकौड़ा का नाम लेते ही दोनों टीमों का स्कोर लेबल बम बम हो गया है, 16-16 का स्कोर। मिस्टर फहीम सर्विस के लिए तैयार, अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाल, काउंटर पे उछाली गई ये, इस तरह से एक अंक और जोड़ चुका है, सर्विस के लिए तैयार, सर्विस के लिए तैयार, अच्छी सर्विस और इस तरह से बॉल आउट का इशारा, एक अंक और ककराटा अजमगढ़ के खाते में जुड़ता हुआ, 18-16 का स्कोर, सर्विस के लिए तैयार, अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला, बैकआउट में छाने गई गई, चेकआउट कराने में कामयाब। एक बार फिर सर्विस के लिए तैयार और इस तरह से देखिए बम बम ब्रेड पकौड़ा, आज के लेकिन के बस 500 गाड़ी चाहिए, दहेज में सबसे पहले निकरा की गाड़ी चाहिए, बाप समझी से कहे मारो में चीना दे, भैंस दी है तो मेरे दरवा भी पाड़ी चाहिए। एक बार फिर सर्विस के लिए तैयार,
अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला और ये शानदार रन दे दिया, क्या जबरदस्त हल्का सा एंगल और ईश्वर नंद में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश जायसवाल साहब और चुका है बाकी सर्विस के लिए तैयार। अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला, काउंटर पे उछाली गई गेंद हल्का सा मौका हो सकता है बाकी और ये जबरदस्त ब्लॉक, शानदार ब्लॉक, गेंद को संभाल लिया फैजाबाद ने एक बार फिर सेकेंड आज का इस्तेमाल चतुराई भरा ड्रॉप दिया था जहरीला ड्रॉप, कामयाबी हाथ लगी है 19-18 का इसको। आइए आगे का आपको देखा हाथ सुनाने के लिए हमारे साथी कमांडेंट जनाब मौलाना मबूल साहब माइक्रोफोन। मैं बहुत शुक्रिया ककराटा 18 फैजाबाद 19 बराबरी के लिए पॉइंट की जरूरत है ककराटा को और इस तरह से राइट बॉल। ये लॉकडाउन के बाद सबसे पहला मैच जो आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विस और बिल्कुल फर्स्ट लाइन में इधर बाइक साइड से जी की बहुत ऊंचा तबाह ककराटा की जानिब से और एक बड़ा डर किया ककराटा को 20-19 का स्कोर। लाइनमैन महोदय अच्छी सर्विस